हेलो, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में SU लाइन कमांड्स के बारे में देखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, प्रोग्राम वन। इस पर हम सारी SU के लाइन कमांड्स को परफॉर्म कर कर उनका यूज़ देखेंगे। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन करता हूँ। तो ये सभी लाइन कमांड्स हैं जो आज के सेशन में मेनली हम कवर करेंगे, जिसमें से कुछ कमांड्स हम इंसर्शन के लिए यूज़ करते हैं, कुछ कमांड्स हमारे पास कॉपी के लिए है और कुछ हम डिलीट के लिए यूज़ में लेते हैं। तो अभी हम वन बाय वन इनको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है। ये हमारा अपर वाइट पोर्शन जो है वो कमिटेड पोर्शन है, और मेन जो कोड है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पे हमने कुछ लाइन्स को डिस्प्ले कराया हुआ है, कंट्रोल ऑप्शन स्पेसिफाई करे हुए हैं। अभी हम लाइन कमांड के लिए पहला जो ऑप्शन है वो देखेंगे, इंसर्शन के लिए। जो इंसर्शन का पहला कमांड हमारे पास आती है वो है आई कमांड रहती है हमारे पास फॉर द सिंगल लाइन इंसर्शन। तो अगर आपको कहीं भी एक सिंगल ब्लैंक लाइन इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे आई। तो अभी हम करके देखते हैं। तो जैसे अगर मेरे को लाइन नंबर 30 के बाद में एक और या लाइन नंबर 32 के बाद में एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पर हम कमांड यूज़ करेंगे आई और एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पर आपको एक ब्लैंक लाइन मिल जाएगी, फिर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अगर सपोज मेरे को कुछ और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना था तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मेरा लाइन एक ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। तो हमने एक लाइन इंसर्ट किया। तो इस तरह से हम आई कमांड को यूज़ में लेते हैं, जो है एक ब्लैंक लाइन, सिंगल ब्लैंक लाइन इंसर्शन के लिए। तो जो अभी आप आई प्रेस करोगे उसके उस करंट लाइन के बाद में आपको ये एक सिंगल ब्लैंक लाइन एंटर करके देता है। और एक चीज़ और है इसमें, जैसे ही हम एक आई कमांड के बाद में एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको एक लाइन देता है टेस्टिंग टू। और जैसे ही मैं यहाँ पे वापस से एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे को एक और बार एक लाइन ऑलरेडी इंसर्ट करने का ऑप्शन देता है। तो अगर आप एक और लाइन यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो ये लाइन रिमूव हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम आई कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं IN कमांड। IN कमांड होता है इंसर्ट n नंबर ऑफ ब्लैंक लाइंस आफ्टर द करंट लाइन। सपोज अभी आपकी नीड ऐसी है कि आपको लाइन नंबर 34 के बाद में 5 लाइन ब्लैंक और इंसर्ट करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे I और n होगा नंबर ऑफ लाइंस। तो n की जगह मैं लिखता हूँ 5 और एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो इसने आपको यहाँ पे 5 लाइन इंसर्ट कर दी है। तो यहाँ पे जैसे पेज डाउन करके देखेंगे तो हमारा ब्लैंक लाइन इंसर्ट, जैसे यहाँ पे अभी मैं लाइन नंबर 34 पे लिखता हूँ वापस से I3, तो यहाँ पे 3 लाइन इसने ब्लैंक इंसर्ट कर दिया। जैसे ही आप लास्ट लाइन पे कुछ टेक्स्ट लिख के एंटर प्रेस करोगे तो आपको 3 लाइन यहाँ पे शो कर देगा। इस तरह से आप नंबर ऑफ ब्लैंक लाइन भी इंसर्ट कर सकते हो IN की हेल्प से। अब हम देखते हैं IP कमांड। IP कमांड क्या करती है, एक लाइन इंसर्ट करती है और आपको प्रॉम्प्ट मोड ओपन करके देती है। तो अभी यहाँ पे जैसे मैं लाइन नंबर 34 के बाद में पे IP लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये क्या करेगा, एक ब्लैंक लाइन इसने इंसर्ट की और एक प्रॉम्प्ट मोड ओपन करके दिया। तो फ्री, अभी तो हम फ्री फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, बट पिक्स फॉर्मेट में हमारे को प्रॉम्प्ट की बहुत नीड होती है। तो उस केस में हम IP की हेल्प से ईजिली प्रॉम्प्ट मोड ओपन कर सकते हैं। तो ये एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करता है विद प्रॉम्प्ट मोड। तो ये यूज़ होता है IP कमांड का। तो ये तो मेनली 3 कमांड हम यूज़ करते हैं लाइन इंसर्शन के लिए। अभी हम देखेंगे कॉपी के लिए। तो कॉपी में हमारे पास सबसे पहले जो कमांड है वो है C। तो C क्या करता है, एक लाइन सिंगल लाइन को कॉपी करता है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे लाइन नंबर 38 को कॉपी करता हूँ या लाइन नंबर 44 को मैं कॉपी करता हूँ, सी मैंने यहाँ पे लिखा है इस लाइन पे, और अब जहाँ भी मुझे इस लाइन को पेस्ट करना है वहाँ पे मैं ए और बी ऑप्शन ले सकता हूँ। ए रहता है आफ्टर लाइन और बी रहता है बिफोर लाइन। तो अगर मुझे इस लाइन को मैंने कॉपी कर लिया सी की हेल्प से, अब अगर मेरे को उसको 45 के बाद में पेस्ट करनी है तो मैं यहाँ लिखूंगा ए। तो जैसे मैं ए लिख के एंटर करूंगा तो ये लाइन पेस्ट हो गई। सिमिलरली अगर मैं इसको वापस से कॉपी करता हूँ सी, अब अगर मुझे इसको लाइन नंबर 46 से पहले लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगा बी और एंटर, तो ये हो गया बिफोर। तो सी से हम कमांड कोई भी लाइन को कॉपी करेंगे और ए और बी से हम आफ्टर या बिफोर उसको पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा था सी कमांड फॉर कॉपी सिंगल लाइन। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास CN, कॉपी n नंबर ऑफ लाइंस। तो इसको भी हम यूज़ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर 38 पे कमांड देता हूँ C और n की जगह मैं यहाँ पे देता हूँ 3। तो
तो ये क्या करेगा, फर्स्ट थ्री लाइन को कॉपी कर लेगा, और इसको फिर हम जहाँ भी ए और बी करेंगे तो वहाँ पे वो उसका रिजल्ट आएगा। तो मैं लाइन नंबर 48 के बाद में ए करता हूँ, तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट थ्री लाइन को उसने पेस्ट कर दिया है। तो हमने यहाँ पे C3 लिया था, तो इसने टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 और टेक्स्ट 4 लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ऐसे हम कॉपी एन नंबर ऑफ लाइन यूज कर सकते हैं सी एन की हेल्प से। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास कॉपी रिपीट। सपोज आपको इस लाइन को कॉपी करना है और पेस्ट करना है, बट डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पे, और बार बार आपको इस लाइन को कॉपी पेस्ट करने की नीड है। तो उस केस में या तो हम वापस से सी कमांड यूज़ करके ए और बी करें, फिर वापस से स्क्रॉल अप करके इसको वापस कॉपी करें। अभी लाइन ऑफ कोड हमारे पास छोटा है, सपोज ये अगर 1000 लाइन्स हो तो हमारे को बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा एक ही लाइन को कॉपी करने के लिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कॉपी एंड रिपीट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो उस कमांड को यूज़ करने के लिए आप यहाँ लिखोगे सी और आर। जैसे ही आप सी आर लिखोगे, अब आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने पेज डाउन किया, लाइन नंबर 52 के बाद में मैंने ए प्रेस किया तो यहाँ पेस्ट हो गया। अभी मेरे को एक और बार इसको पेस्ट करना लाइन नंबर 49 के बाद, तो मैं डायरेक्टली ए प्रेस कर दूंगा, क्योंकि अभी तक मेरी कमांड को पेंडिंग शो कर रहा है, यानी अभी भी मेरे पास वो कमांड स्टोर्ड है। तो मैं ए प्रेस करूंगा तो ये आ गया। फिर वापस से अगर मेरे को कहीं करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। जब तक मेरी नीड है मैं सिर्फ ए और बी के बेसिस पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ, और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ मेरी नीड कंप्लीट हो गई है तो मैं F प्रेस करूँगा, तो ये कमांड एग्जीक्यूट होना बंद कर गया। तो इससे अब हमारा कमांड जो है क्लोज हो गई है, अब हम इसको तो रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं अब ए और बी भी देता हूँ तो भी ये इनवैलिड दिखाएगा। तो ए पे ये पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि अभी कोई हमने इसको कमांड ऑलरेडी दी भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। उसके बाद में हमारे पास कॉपी रिपीट के बाद में आता है सी सी। सी सी होता है ब्लॉक ऑफ कोड कॉपी करने के लिए। तो अभी जैसे मुझे लाइन नंबर 38 से लेकर 42 तक पूरा ब्लॉक कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, सी सी लिखूंगा और 42 पे भी सी सी लिख दूंगा। तो अभी मेरा ब्लॉक कॉपी हो गया, मैं इसको जहाँ भी पेस्ट करना चाहता हूँ ए और बी यूज़ कर सकता हूँ, ए फॉर आफ्टर बी फॉर बिफोर। तो 55 के बाद में मैंने ए प्रेस किया तो ये ब्लॉक मेरा कॉपी हो गया। तो इस तरह से हम ब्लॉक कॉपी भी कर सकते हैं। अब सेम हमारे पास रहता है सी सी आर भी, हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसमें कॉपी एंड कॉपी ब्लॉक एंड रिपीट। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्लॉक है जो बार बार पेस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे अभी के लिए हम इस कमांड को सी सी यहाँ पे सी सी आर ले लेते हैं। तो 028 पे मैं ले रहा हूँ सी सी आर और 30 पे भी मैं ले रहा हूँ सी सी आर। तो अभी ये ब्लॉक हमारा कॉपी हो गया है और रिपीट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं इसको लेता हूँ सी सी आर लाइन नंबर 30 पे सी सी आर, और इसको 33 पे सी सी आर। मैं जैसे इसको ए करूँगा तो ये पेस्ट हो गया। अभी ऐसे ही अगर मैं इसको लाइन नंबर 40 के बाद में पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी इसको ए प्रेस करके एंटर करूंगा तो ये पेस्ट करता जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये ब्लॉक एक कॉपी हो गया और रिपीट मोड पे आ गया। तो जहाँ भी हम इस ब्लॉक को बार बार पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ हम कर सकते हैं, और जब हमारा नीड कंप्लीट होती है तो हम इसको F5 से क्लोज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉपी ब्लॉक एंड रिपीट कमांड। अब हम देखते हैं डिलीट। तो डिलीट के लिए हमारे पास ऑप्शन सिंगल लाइन, अगर हमारे को डिलीट करनी है तो हम डी यूज़ करेंगे। तो लाइन नंबर 34 पे मैं क्लिक करके डी प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये लाइन डिलीट हो गई। सिमिलरली अगर मेरे को तीन लाइन या नंबर ऑफ लाइन डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँगा, 32 पे डी और मैंने लिखा 4 और एंटर प्रेस किया तो ये 4 लाइंस डिलीट कर दिया इसने। 37 पे मैं लिखता हूँ D2 तो D2 तो इसने 2 लाइंस को डिलीट कर दिया। ऐसे ही हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे हम कॉपी करते हैं। तो अभी मैं यहाँ से 46 से लेकर तक मैं ब्लॉक ऑफ कोड डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं DD DD और एंटर तो ये ब्लॉक मेरा डिलीट हो गया। तो ऐसे हम ब्लॉक ऑफ कोड भी डिलीट कर सकते हैं। तो मेनली हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इंसर्शन कमांड, कॉपी कमांड और डिलीशन कमांड। तो सिमिलर फंक्शनलिटी है सबकी, जैसे CC होता है वैसे DD वर्क करता है, और हमारे पास CR जैसे वर्क करता है वैसे CCR करता है, C फॉर सिंगल और CC फॉर ब्लॉक ऑफ कोड।
तो इस तरह से हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग इन SEO लाइंस कमांड का यूज़ कर सकते हैं और अपने एडिटिंग को और इजी कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और SEO लाइन कमांड्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्स्ट मिनट।